अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का टाइटल, जैसा कि आपने देखा कि 8 फाउंडेशन मिस्टेक्स से जो कि हर लड़की को पता होनी चाहिए जब भी हम फेस अप्लाई करते हैं, फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे नंबर वन पर है यूजिंग टू मच फाउंडेशन ऑन फेस। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं जिससे केकी सी लुक आ जाती है जो कि बाद में बहुत ही बुरी लग रही होती है। तो आजकल वैसे भी ट्रेंड में जो है नो मेकअप फाउंडेशन इन है, तो इस लुक को अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट फाउंडेशन की बिल्कुल थिन सी लेयर अप्लाई करनी है जो कि बहुत ही फ्लॉलेस लगती है। और अगर इन केस अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर भी देते हैं, तो आपने स्पंज या ब्रश की मदद से उसको टैप टैप मोशन में अप्लाई करना है। और आपने अपना स्पंज हमेशा सेमी वेट करके ही अप्लाई करना है। बहुत अच्छी से एक लेयर आपके फेस पर आ जाती है और एक कैनवस आपका क्रिएट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बात अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़रूर फॉलो आपने करना है। तो अब चलते हैं नंबर टू मिस्टेक की तरफ, जो कि नॉट प्रिपेयरिंग योर स्किन बिफोर मेकअप। हम क्या करते हैं कि मोस्टली फाउंडेशन डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र स्किन पर अपने अप्लाई करना चाहिए बिफोर मेकअप। तो इसकी वजह यह है कि हम मोस्टली ऐसे ही अप्लाई कर लेते हैं तो हमारी जो ड्राई पैचेस होते हैं या फेस पर ऑयल वगैरह होता है तो वो बाद में निकलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी फाउंडेशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हमेशा अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज़ करना है। कोई भी विटामिन सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। मूविंग टू थर्ड मिस्टेक, ट्राई टू कवर स्पॉट्स एंड ब्लामिशेस विद फाउंडेशन। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम अपने दाग धब्बों को, अपने स्पॉट्स को जो हमारे फेस पर होते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं फाउंडेशन से, जबकि फाउंडेशन का काम होता है हमारे स्किन को स्मूथ टोन करना, इवन करना, इवन उसको स्मूथ कवरेज एक प्रोवाइड करना, जबकि फाउंडेशन जो है कंसीलर नहीं है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो हमारे स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, उनको हमने कंसीलर से हाइड करना होता है। कंसीलर फाउंडेशन बिल्कुल नहीं होता, तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। नंबर फोर इज़ नॉट पुटिंग कलर बैक टू हाईलाइट योर फीचर्स। हम एक फेयर कलर की, मीडियम टू हाई कवरेज की फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं जिससे हमारी नेचुरल स्किन जो टोन है वो हाइड हो जाती है। तो हमेशा अपनी स्किन से मैच करती हुई ही फाउंडेशन अप्लाई करनी है ताकि हमारी स्किन की जो शाइन है वो रहे। नंबर फाइव जो मिस्टेक हम करते हैं वो है यूज़ हैवी फाउंडेशन हाइड योर स्किन शाइन। हम हैवी फेस जब अप्लाई कर लेते हैं फाउंडेशन फेस पर, तो उससे क्या होता है, हमारे फीचर्स होते हैं वो किसी तरह से हाइड हो जाते हैं, जो कि हमारे फेस को एक डायमेंशन देने का काम करती है शाइन, और इससे हमारा फेस बहुत प्रिटी लगता है। तो जब भी आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई करनी है तो पिंकिश नेचुरल टोन का ब्लश यूज़ करना है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही प्रिटी लगेगी। इसके लिए आप अपनी लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। सो नंबर सिक्स यूजिंग रॉन्ग फार्मूला ऑन फेस। हम क्या करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती, लाइक ऑयली, ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली। अगर ऐसी स्किन आपकी है और आपको नहीं पता कि आपने किस तरह की स्किन प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो मोस्टली नॉर्मल टू ऑयली अगर आपकी स्किन है तो आपने पाउडर बेस फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन की तरफ जाना है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने क्रीमी और डुई फाउंडेशन अप्लाई करनी है, जो कि आपके फेस को एक फ्लॉलेस लुक देती है। तो इन चीज़ों को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश लगेगी। एंड नंबर सेवन इज़ नॉट एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, अपने स्किन की केयर नहीं करते, लेकिन हमारी स्किन को एक्सफोलिएट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सेल्स जो होते हैं स्किन के वो न्यू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और पुराने जो होते हैं वो शेड हो रहे होते हैं। और अक्सर क्या होता है, वो सेल जब शेड होते हैं तो हमारी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं स्किन के अंदर ही, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और स्किन डल होना शुरू हो जाती है। जो तो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट या स्क्रबिंग की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमने वीक के अंदर एटलीस्ट वंस अ टाइम ज़रूर करनी है। और माइल्ड स्क्रब भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर एट इज़ नॉट यूजिंग अ प्राइमर बिफोर मेकअप। मोस्टली हम डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें अपनी स्किन के लिए एक अच्छा सा प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत होती है। प्राइमर इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी स्किन पर कुछ पोर्स होते हैं, फाइन लाइंस होती हैं और ड्राइनेस होती है, तो प्राइमर अप्लाई करने से ये सारी चीज़ें ब्लर आउट होना शुरू हो जाती हैं, स्किन को एक स्मूथ सी एक लेयर मिल जाती है। क्योंकि हर एक की स्किन जो होती है परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी की कमी रह जाती है। तो प्राइमर जो है वो इन फाइन लाइंस को, पोर्स को, मेकअप को स्टे बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। सो देखिए, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के लिए मेरे चैनल का विज़िट करते रहें। आई नो कि ये वीडियो ये टॉपिक जो है इसको कवर करने के लिए काफ़ी नहीं थी, तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं मज़ीद आपके साथ और वीडियो शेयर करती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।